अस्सलाम वालेकुम, मैं राबिया बसरी अलहमदुलिल्लाह मैं खैरियत से हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप सब भी खैरियत से होंगे। तो आज हम बनाने वाले हैं मूली का पराठा। मूली का सीजन चल रहा है इस टाइम, माशाल्लाह मूलियाँ बहुत अच्छी आ रही हैं, तो मैंने सोचा कुछ मूली का ही बना लिया जाए। तो फिर मैंने कहा क्या बनाऊँ, मूली की भुजी वगैरह, तो मैंने भुजिया तो नहीं बनाई है, तो आज बनाया मैंने मूली का पराठा। तो ये मूली का पराठा बहुत टेस्टी बनने वाला है, क्योंकि मैं ऐसे सिंपली तरीके से नहीं बना रही हूँ, इसमें मूली के सिवा कुछ और भी ऐड करने वाली हूँ। मूली सिंगल नहीं है इसमें, इसमें क्या है आइए देख लेते हैं। मूली के अलावा हम इसमें क्या चीज डालने वाले हैं, आ जाइए। तो मूली का पराठे का सामान अब हम देख लेते हैं। देखिए, तो हमने आज मूली के पराठे बनाने हैं, तो सबसे पहले हमने उसके लिए आटा ले लिया है। ये मैं इसके लगभग 8 पराठे बनाने हैं मुझे, तो मैंने उसके हिसाब से आटा ले लिया है ये। और ये लिए है मैंने मूली के पत्ते, 200 ग्राम ये मूली के पत्ते हैं, और उसमें मैंने थोड़ी सी मूली भी ले ली है, मैं इसे काट के उबाल लूंगी साथ में। और ये मैं इसमें आलू भी उबालूंगी साथ में, आलू से इसका टेस्ट और बढ़ जाता है। तो इनको मूली के पत्तों के साथ में ही मैं उबालने वाली हूँ आलू को, इस तरह से इन चीजों को साथ में ही उबालना है मुझे। और इसका आटा जब मैं लगाऊंगी तब मैं आपको दिखा दूंगी कि मैंने साथ में रख दिया है नीचे मूली के पत्ते, ऊपर काट के मूली, और ये आलू भी काट के इसके अंदर डाल दिए हैं ये अच्छी तरह से। और मैंने इसमें 1.5 गिलास पानी डाला है उबालने के लिए। तो और मैंने मूली के पत्तों को काटा नहीं था, उसमें सब डंडियां निकाल दी थी। और अब हम इस पे 3 सीटियां लेंगे, 3 सीटियों में आलू गल जाएंगे जब तक, और मूली भी गल जाएगी, तो उसके बाद में हम इसको आगे देखते हैं। देखिए, मैंने इसको मूली और आलू को उबाल लिया है। मैंने आलू उबाल के छील के से अलग रख लिया साइड में, और दूसरा मैंने मूली जो उबाली थी मैंने उसके पत्ते यूं ही काटे थे, क्योंकि मुझे उसे मिक्सर ग्राइंडर में जार में पेस्ट बनाना था। तो मैंने मूली के साथ में हरी मिर्च डाल दी है 2। पेस्ट बनाने के बाद में मैं इसी से आटा गूंदने वाली हूँ, जो आटा लगाऊंगी मैं इसी से लगाऊंगी। और ये मेरा आटा आ गया है, मैंने आटा छान लिया है। यहाँ पे अदरक लहसुन का पेस्ट लिया है, लहसुन का पेस्ट 1/2 चम्मच, 1/2 चम्मच अदरक का पेस्ट, नमक 1 चम्मच लिया है मैंने, और 1/2 चम्मच मैंने पीली मिर्च ले ली है। आप अपने टेस्ट के अनुसार लें नमक मिर्च। और यहाँ पे 2 हरी मिर्च ली हैं, जो कि मैं सबसे लास्ट में काटूंगी आटा गूंदने के बाद में, आटा गूंदते टाइम, नहीं तो ये मेरे हाथ में लगेंगी, मिर्च लग जाएगी। हरी मिर्च बहुत तेज होती है, मैंने दिखा दी आपको। अब मैं इसे साइड में रख देती हूँ, और मैं आटा जब मेरा ये पेस्ट तैयार हो जाएगा ये मूली वाला, तो मैं इसी से आटा गूंदूंगी, इसके ही पानी से, और इसी से ही आटे को हमें गूंदना है। देखिए, मैं अब आटा गूंदने वाली हूँ। मैंने इसका पेस्ट बना लिया है मिक्सर में, खूब अच्छा फाइन पीस लिया है। अब जो है अब इन सब चीजों को मिक्स कर रहे हैं आटे के साथ साथ, नमक को, मिर्च को, अदरक लहसुन के पेस्ट को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे सब तरफ को, ताकि नमक सब तरफ ऐड हो जाए इसमें। तो ये तो हमारा नमक सब तरफ ऐड हो जाएगा। ज़्यादातर लोग वैसे मूली के सिंगल ही पराठे बनाते हैं, लेकिन मुझे मूली के पराठे इतने ज़्यादा पसंद नहीं है, मैंने इसलिए आलू ऐड कर देती हूँ इसमें, उसका टेस्ट बढ़ जाता है। पहले हम इस तरह से जितना भी हो सकता है इसमें इस पेस्ट के सहायता से गूनेंगे आटे को, उसके बाद में जब इसमें ऐसा लगेगा हमें पानी मिलाने की ज़रूरत है, तब हम इसमें आलू फोड़ के ऐड करेंगे। इस तरह से खूब अच्छी तरह से इसे घुमा घुमा के, दबा दबा के, कि अब हम इसमें आलू फोड़ लेते हैं साथ ही साथ, इस तरह से हाथ से ही। आप चाहें तो चम्मच की मदद से भी फोड़ सकते हैं, किसी फॉक की सहायता से इस तरह से आलू फोड़ देंगे। आटा तो सभी अपने हाथों से ही गूंथते हैं। इस तरह से मैं सब आलू फोड़ के इसमें मिक्स कर लूंगी, एक एक करके इसलिए ले रही हूँ मैं, कोई भी आलू ज्यादा मोटा नहीं रहे। अभी मैंने पानी बिल्कुल भी नहीं डाला है इसमें, मुझे पानी चाहिएगा अभी। तो मैं जार में थोड़ा सा जो रह गया है पेस्ट उसमें घोल के पानी डाल दूंगी इसमें। अभी तो मैं ये आलू ऐड कर रही हूँ, थोड़ा सा इसमें भी जो नमी है उससे ये आटा लगाऊंगी खूब अच्छी तरह से, ऐसे कर करके। आधे में मूली ने अपना पेस्ट ने उसका आटे को बिना पानी की हेल्प से गुंदवा दिया है, और आधा जो है ये मैं आलू की हेल्प से गूंद रही हूँ। लास्ट में थोड़ा सा पानी लगाऊंगी मैं, और मैं हरी मिर्च तो उससे भी लास्ट में काटूंगी, क्योंकि मेरे हाथ पे लग जाएगी नहीं तो ज्यादा, पेस्ट में तो हरी मिर्च है ही थोड़ी। देखिए, हमने अच्छा तरह से आटा गूंद के इसका डो लगा लिया है खूब अच्छा। अब हम इसके पराठे बनाने वाले हैं, मैंने हरी मिर्च भी काट दी है इसमें, बारीक बारीक दिख रही होंगी आपको। अब हम इसके पराठे बनाते हैं, चलिए आइए बनाते हैं पराठे अब। देखिए, तो हम अपना पराठा बनाने वाले हैं। अब मैंने सब इसके पेड़े बना लिए, छोटे छोटे लोई बना ली है। अब मैं पराठा बेल रही हूँ अपना।
देख सकते हैं आप मेरा पराठा। अच्छे से सर्दी का विंटर के मौसम में इसे खूब बनाएं, एंजॉय करें, और जो है मेरी बाकी सारी वीडियो भी देखें। मेरे पहले काफ़ी सारी रेसिपी पड़ी ही हुई है मेरे चैनल पे, बटर चिकन वगैरह, काली मिर्च, मुरादाबादी बिरयानी, बहुत सारी रेसिपी है मेरे चैनल पे पड़ी हुई। तो प्लीज़ मेरी पुरानी वीडियो, जिसको बटर चिकन वगैरह बनाना हो, वो रेसिपी मेरी पीछे देख सकते हैं। और जो है मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, बेल आइकन का बटन दबाना ज़रूर याद रखें। इससे मेरी नेक्स्ट वीडियो आप तक जल्दी मिलेगी, आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा मेरी नेक्स्ट वीडियो आते ही। तो बेल आइकन ज़रूर दबाएं, इसका ख्याल रखें। काफ़ी सारे लोग ये कहना है कि वीडियो नहीं आ रही, मैंने बोला आप नोटिफिकेशन नहीं दबाया होगा, इसलिए वीडियो नहीं पहुंच रही है। तो इसलिए मैं हर वीडियो में बात होती हूँ कि बेल आइकन ज़रूर दबाएं। ये पराठा देखिए सिखा है कितना अच्छा दिखा है। मैं इसे देसी घी में बना रही हूँ, आप मक्खन में बना सकते हैं या डालडा घी, ये जो भी रिफाइंड वगैरह जो आप खाते हैं उस घी में आप बना सकते हैं इसको। ये सारा घी पी लेता है, इसकी सबसे बड़ी बात ये है। इसमें मैंने अच्छा खासा घी लगाया है और ये देखिए घी पी जा रहा है। ये बहुत टेस्टी है खाने में, आप इसे खाएं ज़रूर, अपने घर पे सर्दी में ट्राई करें। मैं इसे काफ़ी अच्छा ब्राउन, इसमें देखिए चिक्कियाँ पड़ गई हैं। अब मैं इसको मलाई के साथ खाने वाली हूँ। आप इसके साथ मलाई के साथ, मक्खन के साथ, चटनी के साथ, जिस चीज़ अचार के साथ खा सकते हैं। ये बहुत टेस्टी लगता है, दही के साथ आप इसे खाएं, बहुत टेस्टी बनता है ये। टमाटो सॉस के साथ, मेरे बच्चे टमाटो सॉस या मलाई के साथ खाते हैं, मैं मलाई से खाती हूँ। और आपको अचार, मलाई, चटनी जिस चीज़ के साथ पसंद करें आप उसके साथ खाएं, ये बहुत टेस्टी लगता है। तो देखिए कितना अच्छा दिख रहा है, दिखने में भी माशाल्लाह कितना अच्छा सा लग रहा है ये, आप ज़रूर ट्राई करें। तो मैं यही कहना चाहूँगी, अगर जिसको मेरी रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ मुझे कमेंट ज़रूर करके बताइएगा कि मेरा पराठा कैसा लगा आप सबको। आपने मेरा पराठे बनाने का तरीका तो देखा ही, कितना अच्छा और शानदार तरीके से मैंने इतना अच्छा टेस्टी पराठा बनाया है। ये पराठा जो है कुछ मूली के पराठे में कुछ कड़वापन सा हो जाता है, तो इसमें आलू की वजह से बिल्कुल भी कड़वापन नहीं होता है, बच्चे इसे बहुत शौक से खा लेते हैं। तो कितना शानदार तरीके से मैंने अपना पराठे को तैयार करा, ये खाने में भी बहुत टेस्टी है, बहुत यमी है। मैंने अपने फैमिली में सभी को जब सर्व किया था फर्स्ट टाइम, तब भी सबको बहुत पसंद आया था, मेरे हस्बैंड और मेरे बच्चों को। तो इसीलिए इस पराठे को आप अपने घर में ज़रूर ट्राई करें, और बहुत आसान तरीके से बन जाता है, ये तो सिंपल रेसिपी है। और शायद आप मेरे चैनल पे अगर नए हैं तो मेरी पुरानी वीडियो भी देख सकते हैं, मैंने काफी सारी चीजें बना रखी हैं पहले, तो चिकन काली मिर्च, बटर चिकन, नहारी, मुरादाबादी बिरयानी, हलीम वगैरह, काफी हैवी डिशेस भी पड़ी हैं, काफी रेसिपी है मेरे चैनल पे। अगर आप नए हैं तो प्लीज मेरी पुरानी वीडियो जरूर देखिएगा, और अगर मेरे आज की वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, बेल आइकन का बटन दबाना बिल्कुल नहीं भूलें, इससे मेरी नेक्स्ट वीडियो आपको फिर मिलेगी। तो फिर अपना ख्याल रखिएगा, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।